दोस्तों, इस वीडियो में हम संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा करने वाले हैं और परिक्रमा में आने वाले सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन आपको कराने वाले हैं। वृंदावन धाम वह स्थान है जहां श्री कृष्ण जी ग्वाल वालों के साथ गाय चराते थे और बंसी बजाया करते थे। वृंदावन धाम तीन तरफ से यमुना नदी से घिरा स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचाते थे। वृंदावन में श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान हैं। वृंदावन धाम के प्रमुख और प्राचीन स्थानों के दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। वह वीडियो आपको बेहद पसंद आए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वे सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे दिए चैनल इंडियन रील्स के लोगों पर क्लिक करके चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं जिनमें सभी स्थानों का इतिहास आपको बताया है। पूरे संसार भर से लोग वृंदावन धाम की यात्रा करने आते हैं। वृंदावन धाम यात्रा के इस एपिसोड में हम संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा करने वाले हैं और परिक्रमा में आने वाले सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और घर बैठे वृंदावन धाम परिक्रमा के दर्शन कीजिए। ये इधर आप देखेंगे, ये है हाईवे। हाईवे से खटीगरा रोड जो है वो इधर दिल्ली की तरफ है और यहाँ से आप इस हाईवे से वृंदावन आते हैं। तो यहाँ से जब आप आगे चलते हैं इसी मार्ग पर वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं कहाँ से शुरू होती है वृंदावन धाम की परिक्रमा। आज वृंदावन का थोड़ा आधुनिक स्वरूप हो गया है, उसे देखकर परिक्रमा करते समय यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वृंदावन में पहले जैसी बात नहीं। बस हमेशा याद रखें, वृंदावन प्रेम भक्ति की भूमि है। भविष्य पुराण में वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस की बताई गई है। वराह संहिता में वृंदावन की परिधि 1 योजन बताई गई है, किंतु वृंदावन की वर्तमान परिक्रमा 3 कोस यानी लगभग 10 किलोमीटर की है, जो पैदल चलने पर 2 से 3 घंटे में पूरी होती है। वैसे तो यह परिक्रमा वृंदावन की परिधि में कहीं से भी शुरू की जा सकती है। जहां से परिक्रमा शुरू होती है वहीं पुनः पहुंचने पर परिक्रमा पूरी हो जाती है, परंतु जब आप दिल्ली मार्ग से आ रहे हैं तो यह परिक्रमा इस्कॉन मंदिर के पास से प्रारंभ हो जाती है और हम अपनी परिक्रमा यहीं से प्रारंभ करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है वृंदावन की परिक्रमा। ये आगे है इस्कॉन टेम्पल, जो जिसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। आपने मेरे इसी चैनल पर पिछले वीडियो में देखा था इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ से इस्कॉन टेम्पल है और आप जब इधर की तरफ जाएंगे तो ये इधर है प्रेम मंदिर और यहीं से ही वृंदावन की परिक्रमा शुरू होती है। अगर आप वृंदावन धाम पहली बार आए हैं तो आपको वृंदावन की महिमा के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। वृंदावन के प्रमुख स्थानों और मंदिरों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। यहाँ जितने भी मंदिर हैं उन सबका श्री कृष्ण जी से नाता है। परिक्रमा करते समय आसपास के जितने भी दिव्य स्थल पड़ते हैं उन सबको प्रणाम जरूर करें। यहाँ स्थित हर एक मंदिर श्री कृष्ण जी की लीला को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह कालिया भय घाट, जिसके दर्शन आपने पिछले वीडियो में किए थे, ये देखिए दोस्तों, ये है कालिया भय घाट। ये कृष्ण जी कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं और ये कालिया नाग की जो दासियां हैं, जो पत्नियां हैं, वो कृष्ण जी से क्षमा याचना कर रही हैं कालिया नाग को छोड़ दें। और यहाँ आप इधर देखेंगे तो ये है वो प्राचीन वृक्ष जिसकी डाली से कृष्ण जी ने यमुना माँ के अंदर छलांग लगाई थी। तो पहले यमुना माँ यहाँ बहा करती थी। ये देखिए कितना विशाल वृक्ष है, ये लोग इसकी परिक्रमा लगाते हैं। 5,500 वर्ष प्राचीन इस वृक्ष को बताया जाता है और यहाँ ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। आइए अब आपको वृंदावन की परिक्रमाओं में आगे ले चलते हैं। परिक्रमा मार्ग पर आगे चलकर आपको दर्शन होते हैं प्राचीन मदन मोहन मंदिर के, जो द्वादश आदित्य टीले पर बना हुआ है। मुगलों के आक्रमण के समय इस मंदिर की मूल प्रतिमा को राजस्थान के करौली जिले में ले जाया गया। आज श्री मदन मोहन जी के वास्तविक विग्रह करौली में स्थित हैं और इस मंदिर में उनके प्रतिरूप की पूजा की जाती है।
इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन और इतिहास आप हमारे चैनल पर जाकर पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। वृंदावन में कई मंदिर और प्रतिमाएं ऐसे हैं जो मुगल आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए और आज भी खंडहरों के रूप में उपस्थित हैं, जैसे कि श्री युगल किशोर मंदिर, जिसका संपूर्ण इतिहास आप हमारे पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब भी आप परिक्रमा मार्ग में या किसी भी मंदिर में आप जाएं तो अपने मोबाइल, पर्स और चश्मे को संभाल के रखें, क्योंकि जो बंदर हैं आपके हाथ से ये सामान छीन के ले जाते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इमली तला घाट पर। ये देखिए, इमली तला घाट है जिसका वीडियो आपने पिछले एपिसोड में देखा था। ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग में ही आता है। ये सभी घाटे हैं। ये आ गया है श्रृंगार स्थल और ये श्रृंगार घाट है। ये देखिए, यमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं और ये है श्रृंगार घाट। श्रृंगार घाट के दर्शन आपको मैंने पिछले वीडियो में कराए थे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, है चीर घाट। ये आपको नजर आ रहा है कदम का वृक्ष, ये है चीर घाट। यहाँ ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्रों को चुराकर इस पेड़ पर टांग दिया था। और इधर आपको यमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यमुना मैया के घाट पर कितनी भीड़ हो रही है और ये नौकाएं चल रही हैं यमुना जी के अंदर। और सामने आपको युगल किशोर मंदिर दिखाई दे रहा है और उसी के पास में ये है केसी घाट। ये आपको जो दिखाई दे रहा है केसी घाट। ये आप क्या बेच रही हैं? फूल बेच रहे हैं यमुना मैया के लिए। अच्छा, क्या क्या रखा हुआ है इसमें? कछुआ मछली का दाना, दीपक। क्या चीज है? कछुआ, कछुआ मछली का दाना। तो ये मछली का दाना है और ये दीपक है, ये फूल रखे हुए हैं। कितने का है ये? 20 रुपए। 20 रुपए का। तो किस तरह से पूजा करते हैं लोग इस दीपक को? जलाते हैं? जला के नहीं, जब छोड़ते हैं। अच्छा, जला के इस दीपक को छोड़ देते हैं। अच्छा, और मछलियों को दाना खिलाते हैं। कहाँ से आता है ये दाना? बनाते हैं। अब बनाते हैं, क्या क्या चीज मिक्स करते हैं इसमें? इसमें दार है। अच्छा अच्छा, दीपक है, वो है। अच्छा, चावल है। दोस्तों, सामने केसी घाट है लेकिन ये जो रास्ता है ये रास्ता आगे से बंद है, इसलिए अब यहाँ से इस रास्ते को खोल दिया है और अंदर होके घूम के हम दोबारा से इस केसी घाट पर आ जाएंगे और फिर यहाँ से फिर ये यमुना जी के किनारे किनारे परिक्रमा मार्ग आता रहेगा। ये अभी हम यहाँ से जो निकल रहे हैं, चीर घाट की बगल में होके हम निकल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से आपको इधर मुड़ना है, ये निधिवन का गेट है सामने, दूसरा गेट है, ये पुराना गेट है ये निधिवन का। और अब आप निधिवन के बगल में होके सीधे ही केसी घाट पर पहुँचने वाले हैं। ये देखिए निधिवन। हमने राधा रमन मंदिर है और इसके राइट में जब हम मुड़ेंगे रास्ता है, देखिए राधा रमन मंदिर। और ये अभी हम गोपीनाथ मंदिर के बगल में होके निकले हैं। यहाँ से हमें लेफ्ट में मुड़ना है।
ये देखिए अब हम आ चुके हैं केसी घाट पर। अब हम दोस्तों केसी घाट पर आ चुके हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने है केसी घाट। तो ये है केसी घाट, परिक्रमा मार्ग में केसी घाट। ये भ्रमर घाट है, यहाँ यमुना नदी किनारे शिव जी के दर्शन होते हैं और ये भगवान भोलेनाथ जी का ये मंदिर है जिसमें भोलेनाथ जी गोपी रूप में विराजमान है। जब भगवान भोलेनाथ जी श्री कृष्ण जी की महाराज लीला को देखने आए थे, यमुना मैया ने उन्हें गोपी रूप धारण करवाया था इसी घाट पर। तो यहाँ ये मंदिर बना हुआ है। ये जब आप परिक्रमा करने आते हैं तो केसी घाट के दर्शन जरूर कीजिएगा। इस घाट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने केसी नामक दैत्य का वध किया था। एक केसी एक दैत्य था जो भगवान की गांव में काले घोड़े का रूप लेकर शामिल हो गया था। तो यही वो घाट है जिस घाट पर भगवान श्री कृष्ण जी ने केसी नामक दैत्य का वध किया था और यहाँ शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। यहाँ जी जो आपको अलग अलग घाट नज़र आ रहे हैं, इन सब घाटों पर शाम को संध्या के समय आरती होती है। अब मैं आपको यहाँ से यमुना माँ के भव्य दर्शन कराता हूँ। अब हम केसी घाट से चल दिए हैं। ये लिखा हुआ है सुदामा कुटी मार्ग। ये सामने है पाली गांव, अटल्ला चुंगी और टटिया आश्रम। यहाँ परिक्रमा मार्ग पर आपको कई विचित्र साधु संत मिलेंगे जो अपना संपूर्ण जीवन श्री राधा कृष्ण जी के नाम कर चुके हैं। आपको पूरे वृंदावन में इस तरह के ये चित्र नजर आ जाएंगे। यहाँ कृष्ण जी की लीलाओं को चित्रित किया गया है। ये देखिए साधु संत परिक्रमा लगा रहे हैं। वृंदावन परिक्रमा आप पूरी आस्था के साथ करें। परिक्रमा के दौरान हर एक पग श्री कृष्ण जी श्री राधा नाम को सुमिरन करते हुए रखना चाहिए। उनसे हर एक श्वास पे एक ही विनती करनी चाहिए कि उनके चरण कमलों की भक्ति मिले और हमारा मन हमेशा निर्मल भाव से भरा रहे। याद रहे परिक्रमा मार्ग पर आपसे किसी का अपमान ना हो और किसी का अहित ना हो। जब जब ब्रजरज आपके पैरों को स्पर्श होगा भक्ति आनंद का अनुभव होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों इस चैनल पर हम आपको संपूर्ण ब्रजधाम की यात्रा करवाने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं वृंदावन यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।